हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलपी के प्रिपरेशन के लिए जो आप बुक पढ़ते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बुक्स या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करते हैं उसका अपना अलग महत्व होता है, और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, और आप प्रैक्टिस सेट करते हैं उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तीनों चीज़ों का अपना अपना अलग अलग रोल है और सभी अपने रोल में बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बुक से पढ़ाई करते हैं चैप्टर वाइज जो बुक होता है उनसे, या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाने का तरीका पता चलेगा, उन्हें कम से कम समय में कैसे लगाएं ये सब आपको पता चलेगा यदि आप चैप्टर वाइज बुक पढ़ते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो। इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाने से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनका लेवल पता चलेगा, क्योंकि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारा तैयारी कहाँ तक है। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो इससे आपको एग्जाम का माहौल पता चलता है कि एग्जाम के दौरान आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, एग्जाम के दौरान एग्जाम के माहौल में आप कैसा रिस्पांस करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप घबरा जाते हैं। एग्जाम के दौरान जो आपसे होने वाली गलतियां हैं वो पहले ही पता चल जाएगा और उसे आप सुधार कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको आने वाले क्वेश्चन भी गलत हो जा रहे हैं या छूट जा रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम के दौरान टाइम कैसे मैनेज करें, इन सब का आपको अनुभव मिल जाएगा। मैंने आपको तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस अलग अलग बता दिया। यदि आप चैप्टर वाइज बुक या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको एग्जाम का माहौल पता चलेगा। तो तीनों बातों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो आपको तीनों चीज़ें फॉलो करना चाहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइव आऊँगा आज ही शाम को, और मैंने आपको बताया था कि आज ही लाइव आऊँगा मैं 16 बजे, तो आप तैयार रहिएगा।